अश्वमेधिक पर्व अध्याय 354 अर्जुन और बब्रुवाहन का युद्ध तथा अर्जुन की मृत्यु। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, मणिपुर के राजा बब्रुवाहन को जब अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला। मणिपुर नरेश को इस रूप में आते देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके उसका आदर नहीं किया, बल्कि कुपित होकर कहा, हे बेटा, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी घोड़े की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? हे दुर्मते, तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो चुका है, इसीलिए तुझे धिक्कार है। संसार में जीवित रहकर तूने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो मुझे युद्ध के लिए आए हुए जानकर भी तू शांति पूर्वक साथ ले जाने को आया है। यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो मेरा इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। अर्जुन जब बब्रुवाहन से उपयुक्त बातें कह रहे थे, उसी समय यह हाल जानकर नागकन्या उल्लूपी धरती चीर कर वहाँ आ पहुँची। उसे अपने स्वामी की कठोर बात नहीं सही गई, इसीलिए उसने बब्रुवाहन से धर्मयुक्त वचन कहा, हे बेटा, मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उल्लूपी हूँ, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें परम धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुवंशी के श्रेष्ठ पुरुष और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले वीर हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो, यही इनके लिए समुचित सत्कार होगा, और ऐसा करने से ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न होंगे। माता की यह बात सुनकर महातेजस्वी बब्रुवाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। उसने सुवर्णमयी कवच पहनकर मस्तक पर तेजस्वी क्षीरस्त्राण धारण किया तथा सैकड़ों तरकसों से भरे हुए सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित मन के समान वेगवान घोड़ों से युक्त चक्र और आवश्यक वस्तुओं से पूर्ण सोने के भांडों से विभूषित सिंह के चिन्ह वाले ध्वजा से सुशोभित और सोने के बने हुए परम उत्तम रथ पर सवार हो अर्जुन पर धावा किया। निकट आने पर उस वीर ने पार्थ के संरक्षण में विचरने वाले यज्ञ संबंधी घोड़े को अश्व शिक्षा में प्रवीण पुरुषों द्वारा पकड़वा लिया। घोड़े को पकड़ा गया देख धनंजय का चित बहुत प्रसन्न हुआ और वे रथ पर बैठे हुए अपने पुत्रों को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बब्रुवाहन ने वीरवर अर्जुन को विशाले सांपों के समान जहरीले और तेज किए हुए सैकड़ों बाणों से बींध कर अनेकों बार पीड़ित किया। पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे, उनके उस युद्ध की कहीं तुलना नहीं थी। वह संग्राम देवता और असुरों के संग्राम को भी मात कर रहा था। बब्रुवाहन ने हंसते हंसते अर्जुन के गले की हंसली में एक बाण मारा। जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है, उसी प्रकार वह बाण अर्जुन के शरीर में पंख सहित प्रवेश कर गया और उसे छेद कर पृथ्वी में समा गया। उसकी चोट से अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। वे अपने धनुष का सहारा लेकर मुर्दे के समान निश्चेष्ट हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तो अपने पुत्र बब्रुवाहन की प्रशंसा करते हुए बोले, हे बेटा, तुम धन्य हो, हे चित्रांगद नंदन, आज तुमने अपने योग्य पराक्रम दिखलाया है। इसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है
अच्छा अब मैं बाण मारता हूँ, तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर अर्जुन ने नराचों की वर्षा आरंभ कर दी। गांडीव धनुष से छूटे हुए वे नराच इंद्र के वज्र के समान जान पड़ते थे, परंतु राजा बब्रुवाहन ने भल मारकर उन सभी नराचों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर शुराकार दिव्य बाणों के प्रहार से बब्रुवाहन के रथ की सुनहले ताल वृक्ष के समान ऊंची सुवर्णमय ध्वजा काट गिराई और उसके वेगवान घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों के मरने पर बब्रुवाहन रथ से उतर पड़ा और क्रोध से भरकर पैदल ही अपने पिता से युद्ध करने लगा। पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई। तब बब्रुवाहन ने पिता को युद्ध से विमुख होते जानकर पुनः सर्प के समान जहरीले बाणों से उन्हें पीड़ा देने आरंभ की। उसने बाल स्वभाव के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही पिता की छाती में एक तीखे बाण का जोरदार प्रहार किया। वह बाण अर्जुन के मर्म स्थान को छेद कर घुस गया और अत्यंत कष्ट देने लगा। उसकी चोट से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी अर्जुन के बाणों द्वारा पहले से ही बहुत घायल हो चुका था, इसीलिए वह भी बेहोश होकर पृथ्वी का आलिंगन करने लगा। बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा ने जब देखा कि पति और पुत्र दोनों धराशायी हो गए हैं, तो उसने शंकित हृदय से रणभूमि में प्रवेश किया। वहां जाने पर उसे पति देव अर्जुन मरे हुए दिखाई दिए। उनकी अवस्था देखकर वह कांप उठी और शोक से संतप्त होकर अत्यंत विलाप करने लगी। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। अश्वमेधिक पर्व अध्याय 355 चित्रांगदा का विलाप, बब्रुवाहन का शोक, अलूपी के प्रयत्न से अर्जुन का पुनः जीवित होना तथा उन सब की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय चित्रांगदा, पति वियोग के दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश हुआ तो उसने देखा नाग कन्या उलूपी दिव्य रूप धारण किए सामने खड़ी है। उसे देखकर चित्रांगदा कहने लगी, हे अलूपी, देखो तुम्हारे ही कहने से मेरे पुत्र ने वाण मारकर समर विजयी अर्जुन की हत्या की है। रणभूमि में मरकर पड़े हुए अपने स्वामी को आज तुम भी जी भर कर देख लो। तुम तो श्रेष्ठ धर्म को जानने वाली और बड़ी प्रतिव्रता हो ना, इसी से तुम्हारे पति देव आज तुम्हारे ही प्रयत्न से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। हे बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ, तुम इन्हें जीवित कर दो। हे कल्याणी, तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है और तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति फैली हुई है, अतः तुम स्वामी को जिला सकती हो। हे आर्य, मैं अपने बेटे के लिए उतना शोक नहीं करती, मुझे तो इन पति देव के ही लिए अत्यंत शोक हो रहा है, जिनका मेरे यहाँ इस प्रकार आतिथ्य सत्कार किया गया। नाग कन्या अलूपी से इस प्रकार कहकर परम यशस्वनी चित्रांगदा अपने स्वामी अर्जुन के पास जाकर बोली, हे प्रियतम, उठो, मैंने तुम्हारा घोड़ा छुड़वा दिया है। तुम्हें जो महाराज युधिष्ठर के यज्ञ संबंधी अश्व के पीछे पीछे जाना है, फिर यहाँ कैसे सो रहे हो? समस्त कौरवों के प्राण तुम्हारे ही अधीन है, तुम तो दूसरों के प्राण दाता हो, तुमने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिया? विधाता ने पति और पत्नी की मित्रता सदा रहने वाली एवं अटूट बनाई है, तुम्हारा भी
इनके साथ वही संबंध है। इस सांख्य भाव के महत्व को समझो और ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक हो। तुम्ही ने बेटे को लड़ाकर मेरे पति की जान ली है। यदि आज पुनः इन्हें जीवित करके नहीं दिखा दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। मेरे पति और पुत्र दोनों नष्ट हो गए। उनके बिना मैं अगाध शोक में डूब रही हूँ और तुम्हारे सामने यहाँ ही प्रायोपवेशन अर्थात आमरण उपवास के लिए बैठती हूँ। अलूपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा अनशन व्रत धारण करके चुपचाप बैठ गई। तदनंतर राजा बब्रुवाहन को होश हुआ। वह अपनी माता को रणभूमि में बैठी देख दुखी होकर कहने लगा, हाय, जो अब तक सुखों में पली थी वही मेरी माता चित्रांगदा आज मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वीर पति के साथ मरने का निश्चय करके बैठी हुई है। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। संग्राम में जिनका वध करना दूसरे के लिए नितांत कठिन है उन्हीं मेरे पिता अर्जुन को आज यह मेरे ही हाथों मौत के मुख में पड़े देख रही है। जान पड़ता है अंतकाल आए बिना किसी भी जीव का मरना बड़ा कठिन है। तभी तो इस संकट के समय भी मेरे और मेरी माता के प्राण नहीं निकलते। हाय, मुझे धिक्कार है। हे ब्राह्मणों, मैं पिता की हत्या करने वाला क्रूर कर्मी एवं महापापी हूँ। बताइए मेरे लिए अब कौन सा प्रायश्चित है। हे नागराज की पुत्री अलूपी, देखो आज युद्ध में मैंने तुम्हारे स्वामी का वध किया है। शायद इससे तुम्हारा प्रिय हुआ होगा। किंतु हे माँ, मैं तो सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ अब इस शरीर को नहीं धारण करूँगा। जहाँ मेरे पिता गए हैं वहीं मैं भी जाऊँगा। ऐसा कहकर राजा बब्रुवाहन ने दुख शोक से पीड़ित हो आचमन किया और बड़े खेद के साथ इस प्रकार कहा, संसार के चराचर प्राणियों तथा माता अलूपी, आप सब लोग सुने, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित होकर नहीं उठे तो मैं इस रणभूमि में ही उपवास करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। पिता की हत्या करके अब मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पांडु पुत्र धनंजय महान तेजस्वी धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे। इनका वध करके मैंने महान पाप किया है। अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। यूं कहकर अर्जुन कुमार बब्रुवाहन ने पुनः आचमन किया और आमरण उपवास का व्रत लेकर चुपचाप बैठ गया। तब अलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। उसे हाथ में लेकर नागराज कुमारी ने बब्रुवाहन से कहा, हे बेटा उठो, शोक ना करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए अजय हैं। इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। यह तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता का प्रिय करने के लिए मोहिनी माया दिखलाई है। तुम अपने द्वारा कोई पाप होने की रति भर भी शंका ना करो। ये महात्मा नर पुरातन ऋषि सनातन एवं अविनाशी हैं। युद्ध में इंद्र भी इनको नहीं हरा सकते। लो, मैं यह दिव्य मणि ले आई हूँ। यह अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो। इसका स्पर्श होते ही ये तुम्हें जीवित दिखाई देंगे। अलूपी के ऐसा कहने पर अमित तेजस्वी बब्रुवाहन ने बड़े प्रेम के साथ पिता की छाती पर वह मणि रख दी। उसके रखते ही
वीरवर अर्जुन देर तक सोने के बाद जगे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। अपने मनसबी पिता को सचेत और स्वस्थ देखकर बब्रुवाहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय इंद्र ने अर्जुन के ऊपर दिव्य फूलों की वर्षा की। देवताओं की दुंदुभिया बिना बजाए ही मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में बज उठी। आकाश में साधुवाद की ध्वनि गूंजने लगी। महाबाहु अर्जुन भली भांति स्वस्थ होकर उठे और बब्रुवाहन को छाती से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगे। इतने ही में आलूपी के साथ कुछ दूर पर खड़ी हुई बब्रुवाहन की माता पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो शोक से दुर्बल हो रही थी। उसे देखकर अर्जुन ने आलूपी से कहा, हे कल्याणी, इस रणभूमि में तुम्हारे और बब्रुवाहन की माता के आने का क्या कारण है? मुझसे या बब्रुवाहन से अनजान में तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया? अथवा राजकुमारी चित्रांगदा ने तो तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया? यह प्रश्न सुनकर आलूपी हंस पड़ी और बोली, हे प्राणनाथ, आपने या बब्रुवाहन ने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, तथा बब्रुवाहन की माता ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। यह तो सदा दासी की भांति मेरी आज्ञा के अधीन रहती है। यहाँ आकर मैंने जिस प्रकार जो जो काम किया है वह सब बताती हूँ। सुनिए, पहले आपके चरणों पर मस्तक झुकाकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ अपराध हुआ है वह सब आपकी भलाई के उद्देश्य से हुआ है, इसीलिए आप मुझ पर क्रोध ना कीजिएगा। महाभारत के युद्ध में शिखंडी की आड़ लेकर जो आपने भीष्म जी का वध किया था, उस पाप की शांति के लिए वसुओं ने एक उपाय बतलाया। पहले की बात है, मैं गंगा जी के तट पर गई थी। वहां भीष्म जी की मृत्यु के बाद देवता और वसु एकत्रित होकर स्नान करने आए। उन सब ने गंगा जी से मिलकर यह भयंकर बात कही, हे देवी, शांतनु नंदन भीष्म दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे तो भी सव्यसाची अर्जुन ने उनका वध किया है। इस अपराध के कारण हम उन्हें शाप देना चाहते हैं, इसके लिए आप आज्ञा दीजिए। यह सुनकर गंगा जी ने कहा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और पताल में प्रवेश करके मैंने अपने पिता से यह सारा समाचार कह सुनाया। यह सुनकर पिताजी को भी बड़ा खेद हुआ और वे वसुओं के पास जाकर आपके लिए क्षमा याचना करने लगे। उनके बारंबार प्रार्थना करने पर वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे महाभाग, मणिपुर का तरुण राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। वह संग्राम में खड़ा होकर जब अपने वाणों से उन्हें मार गिराएगा, उस समय उनको इस पाप से छुटकारा मिल जाएगा। अब तुम अपने स्थान को जाओ। वसुओं के ऐसा कहने पर मेरे पिता ने घर आकर मुझसे यह बात बताई। इसे सुनकर मैंने इसी के अनुसार चेष्टा की है और आपको उस पाप से छुटकारा दिलाया है। युद्ध में तो देवराज इंद्र भी आपको नहीं जीत सकते। पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसीलिए इसके हाथ से यहाँ आपकी प्रजा हुई है। आलूपी की बात सुनकर अर्जुन का चित्त प्रसन्न हो गया। वे कहने लगे, हे देवी, तुमने जो कुछ किया है उससे मेरा अत्यंत प्रिय कार्य हुआ है। आलूपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा को सुनाते हुए वे बब्रुवाहन से बोले, हे बेटा, आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है। तुम अपनी दोनों माताओं को साथ लेकर मंत्रियों सहित उस यज्ञ में आना। पिता के स्नेह पूर्ण वचन सुनकर बब्रुवाहन की आंखों में प्रेम के आंसू झलक आए।
वह बोला, हे धर्मज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अवश्य अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होऊंगा और उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करूंगा। इस समय आपसे एक प्रार्थना है, आज मुझ पर कृपा करने के लिए अपनी दोनों धर्म पत्नियों के साथ इस नगर में प्रवेश कीजिए। यह भी आपका घर है, इसमें एक रात सुख पूर्वक निवास करके कल सवेरे घोड़े के पीछे पीछे जाइएगा।